हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका ओरिजिनल नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जन्म 1838 में हुआ था। ये एक नॉवलिस्ट, पोइट और जर्नलिस्ट थे। इन्होंने संस्कृत में वंदे मातरम लिखा था, जहां भारत को एक माँ के रूप में, एक देवी के रूप में बताया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे देश के सबसे प्रमुख एक्टिविस्ट्स में से थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इन्होंने टोटल 14 नॉवल्स लिखे, कई अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सीरियस, कहीं सीरियो कॉमिक, कहीं सटायरिकल, साइंटिफिक, क्रिटिकल, बंगाली में। बंगाली में इन्हें साहित्य सम्राट, एम्परर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ये ना सिर्फ एक फेमस राइटर हैं, बल्कि एक रिफॉर्मर, यानी कि समाज में बदलाव लाने वाले, और एक रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही हमारा फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा है, जिसको लिखने के बाद ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये फेमस हो गए। भारत में बहुत बड़ा पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रिवोल्यूशन ये लेके आए। इनकी किताबों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इन्होंने इंडियन लोगों को गाइड किया कि वो कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी से, उनकी स्लेवरी से खुद को आज़ाद कराएं। इनकी किताबों ने इंडियन विमेन को भी इन्फ्लुएंस किया कि वो सोच पाएं और लड़ पाएं अपने अधिकारों के लिए, और वो अपने आप को एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बना पाएं। इनका नॉवल राजमोहन की स्त्री, राजमोहन्स वाइफ, भी बहुत फेमस हुआ था। ये एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ऐसी वुमन की कहानी है, जो कि अपने हस्बैंड के प्रति पूरी तरीके से निष्ठा रखती है, पूरी तरीके से उसके प्रति वफादार है, फिर भी वो सत्य के मार्ग पर चलकर एक पर पुरुष की ज़िंदगी बचाती है। ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें हमें इंडियन सोसाइटी, हमारी संस्कृति और पॉलिटिकल सभी तरीके से सीखने को मिलता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इस एक नॉवल में बात की गई है। बहुत ही मौलिक ढंग से, बहुत ही क्लियर ढंग से, बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से इसे लिखा गया है। यही कारण है कि 150 साल बाद भी बंकिम चंद्र जी की किताबें कितनी प्रेरणा स्वरूप हैं और आज भी उतनी ही फेमस हैं। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। बंगाली और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इनकी अच्छी कमांड थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। बंगाल रेनेसा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस लिटरेरी मूवमेंट के साथ ये जुड़े हुए थे। यदि हम इनके सबसे नोटेबल वर्क्स की बात करें तो दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, आनंदमठ, विष वृक्ष और वंदे मातरम इनके सबसे नोटेबल वर्क हैं। फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, और श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, इनका बहुत आना जाना था। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने मजाक में इनसे पूछा कि आपका जो नाम है बंकिम, इसका अर्थ होता है थोड़ा सा झुका हुआ, तो वो क्या चीज़ है जिसने आपको थोड़ा सा झुका दिया? तो बंकिम चंद्र ने मजाक में जवाब दिया कि एक अंग्रेज़ का जूता मुझे मारा गया था, किक मुझे मारा गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा बेंट हो गया हूँ। तो हम जानते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रिटिक थे। इनकी रचना विष वृक्ष यानी पॉइजन ट्री भी बहुत फेमस हुई थी, और ये 1873 में पब्लिश हुई थी।
आई होप आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।